एवरीवन, देखो इस वक्त चाइना के बाद कोई दूसरा देश अगर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है टर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट एर्दोगन इस्लामिक लीडर बनने के चक्कर में लगातार अपने फ्रेंडली देशों के साथ रिलेशन खराब करते जा रहे। यूएस के मना करने के बाद भी खबर यह है कि टर्की ने S-400 का टेस्टिंग कर लिया है। अब इसको लेके यूएस और नाटो कंट्री का क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर बात करूंगा, उसके साथ कैसे और कहाँ टेस्टिंग हुआ और इंडिया का क्या रोल होगा इसमें, इन सब टॉपिक पे बात करूंगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखो एक बात आप पहले जान लो, टर्की ने रसिया से सितंबर 2017 में ही S-400 को लेकर डील किया था। यूएस का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया था, यूएस ने टर्की को F-35 फाइटर जेट बेचने से बैन लगा दिया था, क्योंकि रसिया का कहना है S-400 F-35 को भी डिटेक्ट करके मार गिरा सकता है और यूएस किसी भी हाल में यह नहीं दिखाना चाहेगा कि F-35 को S-400 काउंटर कर सकता है। इसका रीजन साफ है, यूएस ने इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और उसे अब पैसा कमाना है इसको लेके। S-400 को सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है इस टाइप के कैटेगरी में। यह 400 किलोमीटर डिस्टेंस और 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर टारगेट कर सकता है। टर्की के लोकल मीडिया की खबर को माने तो टर्की ने रशियन मेड S-400 का टेस्टिंग किया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि S-400 का टेस्टिंग सिनूब के ब्लैक सी प्रोविंस में किया गया। एक्चुअली इसका खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मिसाइल शूटिंग का वीडियो बना लिया था और वह वीडियो मीडिया के हाथ लग गया, उसी को आधार मान के यह कहा जा रहा है। देखो इस पे भरोसा करने का वजह भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही टर्की ने एविएशन वार्निंग जारी किया था किसी भी फ्लाइट्स के लिए सिनूब सिटी के उत्तरी भाग में, और कहा था कि टर्की की सेना आने वाले 2 से 3 वीक में S-400 की टेस्टिंग करेगी। टर्कीस मिलिट्री और किसी डिफेंस ऑफिशियल ने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया इस टॉपिक को लेके। यूएस टर्की को सालों से धमकी दे रहा है कि यूएस टर्की पे सैंक्शन करेगा अंडर काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन नेट, जिसे आप शॉर्ट में काटसा एक्ट कहते हैं। टर्की इसके रिस्पांस में यूएस पे ही आरोप लगाता है कि यूएस ने उसे अगर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया रहता तो वो S-400 नहीं खरीदता। रशिया ने S-400 के फर्स्ट बैच को लास्ट ईयर ही डिलीवर कर दिया था टर्की को। उसके बाद टर्की ने यह कहा था कि वो इसे एक्टिव कर देगा इस साल के अप्रैल तक, लेकिन इसमें डिले किया गया और उसका टेस्टिंग अभी हुआ। इस मंथ ही नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अपने टर्की विजिट पे टर्की को वार्न किया था कि S-400 को किसी भी हाल में नाटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता और इसको लेके अमेरिका सैंक्शन भी लगा सकता है टर्की पे आने वाले टाइम में। देखो यूएसए या फिर नाटो कंट्रीज को टर्की पे बैन लगाना होता और उसे नाटो से बाहर करना होता तो वो तभी कर दिया होता जब S-400 का डिलीवरी हुआ था लास्ट ईयर। टर्की एक बड़ा इकोनॉमी के साथ एक बड़ा मिलिट्री पावर भी है और नाटो कंट्रीज कभी भी यह नहीं चाहेगा कि टर्की पूरे तरह से रशिया के पक्ष में चला जाए। लेकिन एक बात तो पक्का है, टर्की को काफ़ी और ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा नाटो कंट्री से। देखो इंडिया का इसमें कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि टर्की से हमें कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है और ना ही टर्की इंडिया से मिलिट्री उलझना चाहेगा। आगे जो भी होगा उसको लेके वीडियो लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।